फ्रेंड्स, भारत में वर्षों तक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे विकास के रास्ते में एक बड़े और रियल बैरियर के समान रही है। हमने इसका समाधान निकाला है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ड्राइव शुरू हुई। आज देश में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिससे आपको भारत के स्पीड और स्केल का अंदाजा लगेगा। साल 2013-14 में हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे। मेरा सेवा काल शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूं। 2022-23 में हमने लगभग प्रतिदिन 30 किलोमीटर हाईवे हर दिन बनाए हैं। 2014 में देश के 5 शहरों में मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी थी। 2023 में देश के 20 शहरों में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी है। 2014 में देश में करीब 70 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे। 2023 में यह संख्या लगभग 150 तक पहुंच गई है, यानी यह आंकड़ा डबल हो गया। 2014 में देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज थे। 2023 में हमारे पास 700 से अधिक मेडिकल कॉलेज है। 2014 में ग्राम पंचायतों तक सिर्फ 350 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, सिर्फ 350 किलोमीटर। 2023 तक हमने करीब 6 लाख किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर बिछाकर ग्राम पंचायतों को जोड़ा है। 2014 में 55% गांव ही पीएम ग्राम सड़क योजना से जुड़े थे। हमने 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाकर यह आंकड़ा 99% तक पहुंचा दिया है। 2014 तक भारत में करीब 20,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। ध्यान से सुनिए, 70 साल में 20,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन, जबकि हमारी सरकार ने 10 साल में करीब 40,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। ये आज के भारत की स्पीड है, स्केल है और भारत की सक्सेस का प्रतीक है।